आपको पता है महफिल में कहीं जाएं तो सबसे पहले कौन नजर आता है? हेल्दी बंदा। तो सुबह ब्यूटी किसकी हुई? हेल्दी बंदे की। ऐसे जब मैं वॉक करती हूँ ना, इस तरह तो पता लगता है कि बंदा चल। अच्छा, अब ये वॉक करती है तो लगता है हवा में चूहा उड़ा, कैसा हवा है। अच्छा, मेरा वेट है 45 kg, इससे ज़रा कम है मेरा ना। ओके जी, हेलो हेलो करो। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महनीसा। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूबी, ये टिकटॉक्स भी बनाती है और उन्होंने ये डॉक्टरी का कोर्स भी किया है, MBBS किया हुआ। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी किसको बोला है? आप आंटी हैं क्या? हो गया है, देखिए मैं आप, तो मैं आंटी लगती हूँ। देखिए आप लगती हैं, तो देखिए ना मैं इतनी यंग हूँ, तो मतलब दरअसल शुक्र है तुमने मुझे मोटी नहीं कहा, चलो आंटी तो चली जाते हैं। आपको पता है महफिल में कहीं जाएं तो सबसे पहले कौन नजर आता है? हेल्दी बंदा। तो सुबह ब्यूटी किसकी हुई? हेल्दी बंदे की। नज़र उस पर चल जाती है। बिल्कुल नज़र चली जाती है, सारी महफिल उठ के देखती है, फिर वो अपने आप को देख रहे होते हैं, तो देखे ना उनको प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कहते हैं, मोटी आ गई कि रूबी आ गई? वो कहते हैं डॉक्टर साहबा आ गई। कैसी हैं आप डॉक्टर साहबा? ठीक ठाक हैं। बस ये पूछ रहे थे आजकल क्या खा रही हैं। आजकल क्या खा रही हैं? आजकल मैं कुछ भी नहीं, लोगों का दिमाग खा रही हूँ, और क्या खाना है मैंने? दिमाग खा रही हैं जैसे तुम मेरा खा रही हो। तौबा है ये, एक तो मीडिया के लोग जहाँ कहीं मैं निकली, अभी मैं आई थी डेट मारने के लिए और इसने मुझे पकड़ लिया। अब मजबूरी मैंने सामने अपनी फ्रेंड को बिठाया हुआ है। लेडीज आपकी उम्र है डेट मारने वाली? डेट यार मैंने डेट डिसाइड करनी है, आपने गलत सुना है। डेट डिसाइड क्या करनी है, मेरे आगे प्रमोशन चल रही है उसकी डेट डिसाइड करनी है। मैं यार कोई लड़का है सर डेट मारने आ गई। मैं क्या करूँ, सारे तंग करते हैं मुझे। क्यों तंग करते हैं? बेसिकली तुमसे मैं प्यार करती ना, इसलिए सारे मुझे तंग करते हैं। मेरे से ना प्यार करें? मेरी बात सुनो, तुम्हारी घर वाले तुम्हें खाने के लिए नहीं देते? देते हैं, मैं यही सोच रही हूँ कि आप मेरा खा लेती हैं। मैं तो अपने घर में खाती हूँ, मुझे खाया पिया लगता नहीं, आपको खाया पिया नजर आता है। तो नाजरीन आप फैसला करो, रोब किसका है, मेरा है या इसका है, सही बताना। झूठ, मैं तो छुप गई हूँ। हाँ तो देखा ना, बंदे को नजर आना चाहिए। ये ऐसे जब मैं वॉक करती हूँ ना, इस तरह तो पता लगता है कि बंदा चल। अच्छा, अब ये वॉक करती है तो लगता है हवा में चूहा उड़ा, कैसा हवा है। तो बाह मिक्की माउस ना हो तो बस कर दे। हाँ देखा ना, मिक्की माउस से मिलते हैं ना, देखे नाजरीन चक्कल कैसी मिलती है, बड़ी प्यारी प्यारी सी है। अच्छा टिकटॉक बनाने का आइडिया कैसे है कि टिकटॉक भी बनानी है? यार कोरोना में ना फंसे पड़े थे, ये बाहू भी ले हमें बनाया होता था इन्होंने, तो घर आके कुछ नहीं नजर आता था, तो कैमरा ही हेलो नाजरीन। तो वही एक शुगर रह गया था 2019 में और 2020 में, तो मैंने कहा चलो टिकटॉक ही उठा लो। अच्छा, फनी कंटेंट आपने चूज किया? जी फनी कंटेंट। खुद भी आप जोली सी हैं? खुद भी मैं जोली सी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। टिकटॉक तो बनाती है पर MBBS का कोर्स भी आपने किया हुआ है? जी जी। बस ये नाम का है कि? सुनो पहली बात तो मैं तुम्हें बताऊँ, MBBS मुन्ना भाई वाला नहीं, रियल वाला MBBS। ठीक हो गया, तुम मेरे को टीका शिका लगवाना था लगा रहे, थोड़ा मोटा तो थोड़ी मोटी तो हो जाऊँ मैं। हाँ होना चाहिए वैसे तुम्हें ना, तुम वैसे एक बात बताओ, उस वक्त से तुम जो मोटी मोटी कह रही हो तो तुम भी बहुत मोटी। डाइट करा देती हूँ तुम्हें मैं। अच्छा डाइट प्लान भी देती हूँ? जी डाइट प्लान। खुद पे अमल क्यों नहीं करती फिर? मैं तो खुद करती हूँ, तो इतनी खूबसूरत हूँ। लोगों ने कहा नहीं कि भाई डॉक्टर हो क्या है कि टिकटॉक का शौक फाड़ लिया? अक्सर मरीज आके बोलते हैं डॉक्टर साहब तुम टिकटॉक बनाते हो, मैंने कहा नहीं वो मेरी बहन है, तो वो सबको ज्यादा पता है मेरी बहन मशहूर हुई हुई है। अच्छा, इसलिए तो हाँ ये चीज़ हुई हुई है। अच्छा, बहन मतलब आपकी सिस्टर्स कितनी है वैसे? हम लोग 6 sisters हैं, 3 की डेथ हो गई, अब 3 सिस्टर हैं हम लोग। जी सिस्टर्स रह गई हैं। अच्छा रूबिया का वेट कितना है? डर गई एंकर डर गई। देखा अब मैं कह रही थी ना मेरे से ये डर जाते एंकर। वैसे वेट कितना है आपका? अच्छा वेट यार, वो उसने मुझे वेट कराया, वो उसने कहा मैं भी आता हूँ, मैंने ना पास्ता ऑर्डर करना है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर और बढ़ जाएगा? हाँ और बढ़ जाए, तुम डर गई थी ना? सही थी, बताओ बाकी मैं डर गई थी। आपको तो मीडिया से डर जाते हैं, एंकर डर जाती है। ओह माय गॉड कितना मेरा रोब दबदबा है। आने वाला मुस्तकबिल का डॉन हूं मैं। अच्छा मेरा वेट है 45 kg, इससे जरा कम है मेरा ना। ओके जी
ना करो। हेलो हेलो करो। मुझे एक बात याद आ गई, जब आप वीडियोस बनाती हैं कमेंट्स तो लोगों के बहुत आते होंगे, फिर क्या कमेंट्स आते हैं? यार पता क्या होता है, अगर नून लीग के लगा दे तो वो कह देते हैं पटवारन है, तो अगर पीटीआई के लगा देते तो बदतमीज है, मैं तो तंग आ गई हूँ, ये सारे वो छोड़ के मतलब आप देखो हम तो काम करते हैं ना, हमने तो जिसने रोटी रोटी खवानी है हमने उसका काम शाम कर देना है, तो जिसने पैसे देने हैं उसका भी काम कर देना है, तो मसला ये है कि कमेंट जरा अच्छे अच्छे किया करो, क्या करो ब्यूटीफुल सो स्वीट सो क्यूट टेडी बियर तेरा बड़ा हासा निकल गया, चलो जाओ मेरा वॉक का टाइम हो गया। अच्छा वैसे करती भी है जॉगिंग की नहीं करती? बिल्कुल बिल्कुल। कितने कितने घंटे जॉगिंग कर लेती है? मैं सुबह को शुरू होती रात तक जॉगिंग ही करती हूँ, आपको पता है ये बात। फिर भी ये हाल है रूबी। तो क्या करूँ अब, नहीं कम हो देख लो जरा नाज़रीन, आप बताएं कौन प्यारा है, मैं प्यारी हूँ या ये प्यारी है? ये सच्ची सच्ची बताना, ये मिकी माउस मेरे साथ खड़ा है, हवा आए तो लुढ़क ही जाते हैं। हाँ जी हवा, अरे बाल उड़ रहे, शुक्र है मैं नहीं उड़ी अभी। उड़ जाओगी बच्चा, ठीक हो गया ना थोड़ी देर में। मीडिया में कब से ही ना आप? 2 साल से। 2 साल की इयर्स में कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जब मतलब बाहर कहीं टिकटॉक बना रही हूँ लोगों ने बोला हो? इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ कि मैं और डॉक्टर नबी अली खान ना जैनमा मॉल में बैठे थे एक बेंच पे, तो सामने से 2 बच्चियाँ आ रही हैं अपनी फैमिली के साथ, वो बच्ची ने मुझे देखा और पहली सीढ़ी से नीचे गिरती हुई आई, गिर गई वो, उसका मोबाइल टूट गया कि आंटी मैंने आपके साथ पिक्चर बना ली थी। जब गिरी है तो उसको उठ के भी शॉक थी कि मुझे आपके साथ वीडियो और पिक्चर बनानी है, मोबाइल टूट गया तो मुझे तरस आता गया, मैंने कहा बेटे आप ठीक हो? हाँ जी हाँ जी, नहीं मैं ठीक हूँ। तो ये वाकया मुझे जो है ना बड़ा हैरान कन हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगा ना, कि मतलब ये ऐसी कौन सी बात है, नीचे आओगी तो बना देंगे, लोग नहीं ना बनाते हैं। हाँ। लोग नहीं बनाने देते। ये भी है। और कोई कमेंट जो आपको याद रह गया हो? कमेंट याद, हाँ वो डॉक्टर नबिया ने और मैंने एक कमेंट उठाया था पिछले दिनों नदीम नानी वाले के लिए, साढ़े नाल रहोगे ते नारा साढ़ा इश्के, होर किधे जाओगे ते बड़ा वड्डा रिस्क है, वो हमारा बड़ा चला था, लोगों ने बड़ा उठाया, वो जब ट्रेंड चला था डोली फैशन के साथ शादी का। आप पोइट्री भी करती हैं जी? पोइट्री भी करती हैं? नहीं पोइट्री नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं पोइट्री? इश्क मशूकी से कोई ताल्लुक नहीं? इश्क तो मेरे दूर दूर तक, दफा इश्क करा नाम तो छित्र ला के मारो, इश्क भी कोई चीज़ है, निकम्मों का काम है, निकम्मों का काम है, वेलों का काम है, इश्क तो है ना ऐसे आपको बर्बादी फेरेगा ना, आपको ऐसी निस्त अनुभूत करेगा। जब सर्दी लग रही है आपको? नहीं सर्दी लग रही यार, मेरी बात सुन, तेरी चाहत में मैं खड़ी हूँ, कुल्फी मेरी भी जमी पड़ी, चला चले आप चाय पीते हैं, टाटा बाय बाय, नाज़रीन खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, और बच्ची को लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें, और ना प्लीज़ कमेंट अच्छे अच्छे करना, प्यारे प्यारे से, जो प्यारा कमेंट करेगा उसके लिए गिफ्ट है, ठीक है? डूबी की तरफ से कंपनी देगी, ये चैनल देगा ये वाला। चले जी बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, जोली पर्सनैलिटी। अच्छा एक और बात, शादी भी आपकी? नहीं शादी नहीं, मैंने शादी करनी नहीं, मुझे पसंद नहीं शादी करनी, पसंद नहीं शादी, अभी तो कह दी मुश्किल से ताल्लुक नहीं चले कोई नहीं, वो लफ्ज़ है ना दम दा दम धोखा ना गम, पंजाबी समझती हो ना, अकेले बंदे की लाइफ बड़ी अच्छी है, शादी तो कुछ भी नहीं, मेरे से मटर मुटर नहीं छिले जाते, गाजरे गुजरे नहीं काटी जाती, रोटी रोटी नहीं मैं पका सकती, खा सकती हूँ पका नहीं सकती, फिर पाई आता है ना खा रही है, लड़ाई होएगी तो फिर तलाक होएगी, तो फिर तलाक होएगी तो कोई काम नहीं चलेगा, तो बेहतर है कल्ले ही चंगे हो। और अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी मेज़बान महरूनिसा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।